सो हे प्रेमवार भी तो गेस वेयर आप सभी लोग तैयार आ चुके एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ में वापस। और आज की इस वाले वीडियो में ना फिर से हम लोग एक सांस में पूरी पूरी वॉइस ओवर करने वाले हैं, यानी कि बहुत गलतियां होने वाली हैं। तो यार आज की ये वाली गेम प्ले में मैं उतर रखा हूँ पायलट प्लाजा पे, सॉरी ई स्पोर्ट पे। तो यहाँ पे एक बंदा मिलता है, मैं अभी देखना। मैंने सोचा इस बंदे को कैसे फिनिश करूं, लेकिन भाई साहब ये बंदा उधर से बाहर निकल गया था और यहाँ पे वो दिखता है हमें। फिलहाल यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ इस बंदे को। अब इस बंदे को फिनिश करने के बाद इधर तो कोई था नहीं, लेकिन सामने से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। मैं सोचा कि इधर जाऊँ, लेकिन ये बंदा दिखता है। अब भाई जैसे तैसे इस बंदे को मैं नॉक किया, एंड जैसे इस बंदे को नॉक किया तभी इधर से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। तो मैं सोचा कि चलो इस घर के ऊपर चलते हैं, एंड इस घर के ऊपर जैसे मैं पहुंचा तभी इधर से एक बंदा मतलब नॉक पड़ा हुआ था, तो यहाँ मेरे को एक फोकट किल मिल जाता है। तो इसको भी निपटा देता हूँ। खैर देखना एक ओपन बंदा आता है। अब इस बंदे को यहाँ पे मैंने नॉक किया। अब देखना यहाँ पे इसका टीममेट जो आएगा ना उसका हेल्थ देखना बहुत कम था। यहाँ पे देखना एक गोली पड़ती है उसको और वो फिनिश हो जाता है। खैर इसको निपटाने के बाद मतलब इन लोगों को निपटाने के बाद यहाँ से मैं जल्दी से इनकी पेटी उटी लूटा मैंने और जो कुछ भी मिला जल्दी से उठा लिया। और खैर यहाँ पर तो कोई था नहीं, तो यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा भी तो नहीं है ना। फिलहाल मैं गाड़ी मतलब बगी लेके निकल लिया सामने मतलब बंदे ढूंढने के लिए। एंड जैसे मैं आगे की तरफ जा रहा था तभी इधर सामने कुछ बंदे दिखते हैं जो कि लूट रहे थे आराम से। अब इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे ये बच जाते हैं। खैर यहाँ पर ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइम और रुकता तो यहाँ पे मेरा पेटी बनना तो तय था। खैर जैसे तैसे बचते हुए मैं इधर के साइड आ गया, और इधर इसलिए आया क्योंकि मैं यहाँ पे सेफ था। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे जल्दी से मैं हील किया, एंड हील करने के बाद अब देखना यार उन लोगों को कैसे निपटाऊँगा। खैर एक बंदा था घर के मतलब सामने वाले घर पर, तो यहाँ मैं सोचा कि चलो उसको नेट से तो उड़ा देंगे क्योंकि वो बंदा मेरे को दिख रहा था। तो यहाँ मैंने एक नेट पिन किया और फिर देखना इस बंदे को कैसे उड़ाते हैं। और यार इस बंदे को कुछ ज़्यादा ही गलत मारता हूँ, मतलब सीधा नेट से ही उड़ जाता है ये बंदा। खैर यहाँ पे एक और नेट पिन करता हूँ, कुछ बंदों की फुट स्टेप आ रही थी और ये बंदा दिखता मुझे। इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई साहब ये बंदा मेरे को बहुत गलत मार रहा था। खैर यहाँ पे इसके अंदर आया मैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पे ना इसकी पूरी पूरी स्पॉट मेरे ऊपर रश कर दी थी। मतलब यहाँ पे तीन बंदे थे ये लोग और तीनों के तीनों मेरे ऊपर रश कर दिए थे। खैर जैसे तैसे इसको नॉक किया और फिर भाई साहब यहाँ पे मैं तो एकदम से डर गया था कि अब तो मेरा पेटी बनना तो तय था। खैर यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा बहुत फ्लाइंग किस दे देते हैं। खैर भाई इन लोगों को मैंने बहुत ही गलत मारा, और ये लोग चाहते तो मेरे को मार सकते थे क्योंकि ये लोग तीन बंदे थे तो ईजिली मेरे को निपटा सकते थे। खैर यहाँ पर मैं लूट ही रहा था कि भाई उतने में एक स्क्वाड और आ जाती है और फिर बहुत ही गलत सीन हो जाता है। अब मैं सीधा पीछे की तरफ भाग के आया क्योंकि भाई वहाँ पर रुकता तो पेटी बन जाता मेरा। अब यहाँ पे जैसे आया तभी यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिखा जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, वो अंदर की तरफ जाता है और यहाँ पे एक और बंदा दिखता है मुझे। इस बंदे को नॉक किया और तुरंत फिनिश कर दिया। अब इस बंदे को जैसे मैं फिनिश किया तभी इनके सारे टीममेट मेरे ऊपर रश कर दिए। अब देखना यहाँ पे बचना बहुत मुश्किल हो गया था। खैर यहाँ पे मैंने एक नेट पिन करके फेंक दिया और यहाँ पे देखना ये लोग मेरे ऊपर रश कर रहे हैं। यहाँ पे इस बंदे को मैं नॉक कर दिया। फिलहाल ये बंदा आता है और फिर देखना। अब इस बंदे को मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था, लेकिन भाई साहब ये बंदा मेरा पेटी बना के निकल लिया। खैर देखो वो वाली गेम प्ले वहीं पे खत्म हो जाती है, मैं फिलहाल एक और नया गेम प्ले लगा लेता हूँ। और इस बार उतर रखा था मैं ओल्ड वर्जन पे, और भैया जी ओल्ड वर्जन पे जब मैं आता हूँ ना तो कहते बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। खैर देखना यहाँ पर बहुत सारे बंदे आए थे, मतलब एक दो स्क्वाड आ गई थी। खैर यहाँ पे मैंने खुद दो स्क्वाड मारे थे, तो देखना बहुत मज़ा आएगा। खैर नीचे आया मैं, और नीचे आने के बाद मेरे को यहाँ पे स्कॉर्पियन मिलता है। स्कॉर्पियन मिलते ही भाई सामने एक बंदा मिलता है। अब देखना उस बंदे को स्कॉर्पियन से कैसे नॉक करता हूँ। स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन होता है ना ये, हाँ स्कॉर्पियन जो भी होता है। यहाँ पर मैं इसको डैमेज देता हूँ और फिलहाल ये भागने की कोशिश करता है, और यहाँ पे भाई साहब को नॉक करता हूँ मैं। एंड जैसे मैं नीचे की तरफ आया यहाँ पे मेरे को यूजी मिलता है, तो यूजी मैं उठा लेता हूँ यहाँ पे फटाक से। एंड यूजी उठाने के बाद मैं थोड़ा सा आगे की तरफ गया और ये बंदा दिखता है मुझे।
इस बंदे को मैं डैमेज दिया और यहाँ मैं मिनी पड़ा हुआ था तो मैंने मिनी उठा लिया, क्या पता गन की काम आ जाए। और सामने एक बंदा दिखता मुझे, अब फिर उस मतलब खैर इसको यहाँ पे नॉक करता हूँ मैं। अब देखो यार, मैंने बोला था ना कि मैं लगातार वॉइस को बंद करूँगा, अब खैर ये बंदा आता है भाई साहब। ये दो बंदे आते हैं और मैं एकदम से भाई डर जाता हूँ और भागते हुए ऊपर की तरफ चला जाता हूँ। और मेरे पास वेस्ट नहीं था तो यहाँ मेरे को डैमेज बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, तो अभी देखना इन लोगों को कैसे निपटाऊंगा। खैर यहाँ पे मैं यूज़ ही रिलोड करता हूँ और ये दोनों बंदे मिल जाते हैं हमको और इन दोनों को यहाँ पे निपटाता हूँ। खैर इन दोनों को मैं निपटाने के बाद, यानी कि पूरी एक स्क्वाड यहाँ पे मैं निपटा दिया था। अब एक स्क्वाड निपटाने के बाद मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा आगे तरफ चलते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं आया तो यहाँ स्क्वाड हाउस पे एक बंदे की फुटस्टेप आ रही थी और वो बंदा ना इधर जाके कैंपिंग कर रहा था। तो यहाँ मैं सही टाइम का वेट कर रहा था कि वो बाहर आए और मैं उसको उड़ाऊँ। तो यहाँ पे एक नेट पिन करता हूँ जब ये बाहर आता है, और फिलहाल यहाँ पे देखना क्या होता है। अब यहाँ पे इसको नेट से मारता तो हूँ, थोड़ा सा ये डैमेज होता है। और यहाँ मैं अपने टॉमी से इसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, डैमेज भी हो जाता है। तो खैर वो बंदा डैमेज हो गया था तो यहाँ पे अब रस करना था, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली रस करता हूँ और देखना कैसे इनकी पेटी बनाता हूँ मैं। और भाई जैसे मैं यहाँ पहुँचता हूँ ये बंदा मेरे मुँह के सामने आता है और भाई इसको मैं नॉक और तुरंत फिनिश भी कर देता हूँ। और जैसे इसको फिनिश करता हूँ तभी इसका टीममेट दौड़ते हुए आता है मेरे को निपटाने के लिए। अब वो बंदा मेरे को दिखता है यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। अब ये बंदा भागने की कोशिश करता है, ये बंदा ऊपर की तरफ चला जाता है, मैं इसके पीछे लग गया था कि भाई मैं इसको नॉक करूंगा। खैर यहाँ बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था और यहाँ पे लास्ट ही गोली कनेक्ट होती है और ये बंदा नॉक हो जाता है। अब इस बंदे को नॉक करने के बाद यहाँ मतलब तुरंत इस बंदे को फिनिश किया मैंने। अब देखो यार मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पे कोई भी नहीं है, बट यार यहाँ पे ना बहुत सारे बंदे थे जो कि कैंपिंग कर रहे थे, जो कि मेरे को दिख तो नहीं रहे थे, लेकिन मैं जैसे आगे की तरफ जा रहा था तब यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिखता है। और ये भाई साहब के तेज भर के गोलियां भर देता हूं मैं और यहां पे जल्दी से इनको निपटा भी देता हूं। और इनको निपटा के मैं सीधा आगे की तरफ निकल जाता हूं। मैंने सोचा अब तो कोई नहीं होगा, लेकिन यहां पे कलुआ निकलता है। अब कलुए की क्या बात करूं मैं, कलुए तो कतई प्रो बन रहा था। और यहाँ पे इस बंदे को मतलब निपटा देता हूँ मैं। एंड इस बंदे को निपटाने के बाद यहाँ पे अब कोई नहीं बचा हुआ था और वहाँ पे मेरे 8 किल हो गए थे। खैर वहाँ से गाड़ी लेके मैं आगे की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे एक बोट्रू भैया मिलते हैं, बोट्रू भैया को निपटाता हूँ मैं। एंड गाड़ी ऐसे घुमा रहा था यार, बंदे तो मिल नहीं रहे थे। तभी यहाँ पे सामने दो बग्गी में बंदे मिलते हैं और ये दो बग्गी वाले जो बंदे थे ना कतई लुटेरे बंदे थे, ये मतलब केवल ड्रॉप लूटने वाले बंदे थे। मैंने सोचा चलो इधर रोकते हैं और फिर इनको निपटाते हैं। तो देखना यहाँ पे कैसे इसको नॉक करूँगा मैं। अब यहाँ पे एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ और ये भाई साहब बैठे हुए थे गाड़ी में, मतलब उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और यहाँ पे एक बोट्रू भैया थे तो उनको भी मैं यहाँ पे नॉक किया मैंने और तुरंत फिनिश भी कर देता हूँ। तो जैसे मैं इन लोगों को निपटाया तभी सामने से एक और बोट्रू भैया आते हैं और इनको भी यहाँ पे निपटाता हूँ मैं। एंड इनको निपटाने के बाद यहाँ से मैंने गाड़ी उठाया और मैं सोचा चलो अब निकलते हैं, बंदे बंदे ढूंढेंगे और फिर बंदे निपटाएंगे। अब गाड़ी लेके मैं आगे की तरफ जा ही रहा था कि भाई सामने बंदे कुछ दिख जाते हैं हमें, मतलब इस वाले घर पे जिनके फुट स्टेप भी आते हैं। यहाँ पे जैसे मैं गाड़ी रोकता हूँ दो बंदों के फुट स्टेप आ रहे थे और दो ही बंदे बचे भी थे। तो यहाँ पे मेरे को ये दोनों बंदे मिल गए थे। यहाँ पे एक नेट पिन करके मैं सोचा कि इनको नॉक करूँ, लेकिन भाई नेट से कोई भी नॉक नहीं होता है। और ये लोग गजब की कैंपिंग कर रहे थे, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पहुँचा फिर देखो यहाँ पे इस बंदे को नॉक किया मैंने। अब एक ही बंदा बचा हुआ था और फाइनली उस बंदे को भी निपटाता हूँ मैं और विनर विनर चिकन डिनर हो जाता है विद 15 किल के साथ। तो गाइस आई होप आप लोगों को आज की ये वाली गेम प्ले पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने अभी तक सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर जरूर से सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ करेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।